देखिए, नीतीश जी के हट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो प्रॉक्सी से इस राज्य में राज कर रही थी। 2024 का इंतजार करिए, अगर एक भी सीट जीत जाए भाजपा तो ये समझिए कि पत्थर पर डूब जमेगा। उनके हट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जमीन नहीं बची है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बिहार के भागलपुर जिले तक पहुंच चुकी है, जहां पर इसे आम लोगों का काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। आम लोग भी बड़ी संख्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि लेकिन इस सिलसिले में कांग्रेस के जो नेता है वो इस यात्रा के दौरान बीजेपी के ऊपर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे, और कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यात्रा के दौरान भाजपा को लेकर काफी बड़े बयान दिए हैं। ये तक कहा है कि साल 2024 में उन्हें एक सीट भी नहीं मिलने वाली, और ये तक कह दिया है कि ये जो यात्रा है वो बीजेपी के खिलाफ परिवर्तन की यात्रा है। क्या कुछ और बातें उन्होंने कही है, कितने बड़े बड़े बयान दिए हैं, सारी बातें आप खुद सुनिए। आने वाली थी लेकिन अब कांग्रेस पद यात्रा पर निकल चुकी है और परिवर्तन बिहार में किस तरह भाजपा के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। और मंदार पर्वत से, पौराणिक स्थल से हम लोगों ने इस यात्रा का शुरुआत किया है, और हर मंदिर मस्जिद चर्च होते हुए यात्रा 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। राहुल जी के संदेश को कि इस देश से घृणा की राजनीति को समाप्त करना है, आपसी भाईचारा और सद्भाव को देशवासियों को बनाए रखना है, संविधान की रक्षा करनी है और जमहूरियत और प्रजातंत्र को इस देश में बचाए रखना होगा, इसी संदेश को लेके बिहार कांग्रेस राहुल जी के संदेश को हर गांव हर टोले तक पहुंचाने का काम करेगी। हम यहां के लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने न केवल इस यात्रा का समर्थन किया बल्कि हर जगह माँ बहनें, खेतिहर मजदूर, खेती करने वाले किसान, सभी लोग आके इस यात्रा को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, नीतीश जी के हट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो प्रॉक्सी से इस राज्य में राज कर रही थी। उनके हट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जमीन नहीं बची है। ये किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। 2024 का इंतजार करिए, अगर एक भी सीट जीत जाए भाजपा तो ये समझिए कि पत्थर पर डूब जमेगा। मैं इतना ही बात कहूंगा, धन्यवाद। तो आपने अखिलेश प्रसाद सिंह की बातें सुनी, आपने जाना कि किस तरीके से वो भाजपा को लेकर बड़े से बड़े बयान दे रहे हैं। बता दें कि 5 जनवरी से ही बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि बांका जिले से शुरू हुई थी और अब ये यात्रा भागलपुर जिले तक चली गई है। नेताओं का कहना है कि बिहार में करीब 1250 किलोमीटर तक ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है, और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के जो नेता है वो भाजपा को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी देखी जा रही है कि बिहार के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छे रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पकड़ है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। एक ऐसी पार्टी जो कभी यहां पर रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, अब वो महागठबंधन में भी एक ऐसी पोजीशन पर आ गई है कि अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से उन्हें मंत्री पद भी नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसे में एक तरीका ये भी है इसे देखने का कि भारत में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बिहार में उनका रिडेम्पशन है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा, क्या नहीं भारत जोड़ो यात्रा से, और क्या क्या तस्वीरें निकल कर सामने आएगी, लाइव सिटीज पर आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप बाकी की खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।